पहले तो मिलती नहीं है, जो लाइनों में लगना पड़ता है, लाइनों में ठहरना पड़ता है। बहुत ज़्यादा कच्ची और पतली बर्फ है, 50 से कम की देते नहीं है, और वो भी इतनी थोड़ी सी होती है कि मतलब ना होने के बराबर ही होती है। अभी तक 8 घंटे लाइट थी, अब इन्होंने 12 घंटे की हुई है। ये पतली बर्फ मतलब पानी के अंदर बहुत जल्दी पिघल जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम टी वी से मैं हूं इकबाल। नाज़रीन, आप जानते हैं कि शहर में लाइट तो होती नहीं है, तो ज़ाहिर है बर्फ़ कहाँ से जमेगी। तो उसी हवाले से लोग जो है कारखानों का या मुख्तलिफ जो जहाँ बर्फ़ मिल रही होती है वहाँ का रुख करते हैं, और पता ये चल रहा है कि इसकी बर्फ़ की कीमतों में इजाफा भी हुआ है। तो आइए मज़ीद तफसीलात जानते हैं कि कितना इजाफा हुआ है, और बर्फ़ पतली भी आ रही है तो उसी हवाले से भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये बताएं बर्फ़ एक तो इतनी ये पतली हमें नज़र आ रही है शीशे की तरह, ये इतनी पतली क्यों आ रही है? पतली सर इसलिए कि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। हमारा टोपा वाला फीडर है, वहाँ पर लोड शेडिंग इन्होंने 12 घंटे की हुई, हालांकि हमारी रिकवरी भी पूरी है। बिल भी हम देते हैं 40-40, 30-30 लाख रुपए बिल आता है, वो भी हम दे रहे हैं। हमारे कोई बकायाजात भी नहीं है, फिर भी हमारे इलाके में बिजली बहुत कम दे रहे हैं। सारे ऐसे फैक्ट्री हैं, 4 ऐसे फैक्ट्री हैं वहाँ पर, यहाँ पर बैंक्स हैं, वो सारे वो लगे हुए हैं, होटल वगैरह सारे रिकवरी पूरी देते हैं। इसके बावजूद हमारी लोड शेडिंग इधर ज़्यादा है। अभी तक 8 घंटे लाइट थी, अब इन्होंने 12 घंटे की हुई है। तो रेट में भी फ़र्क आया है सुना, पिछले दफ़ा 700 था। हाँ 700 था, लेकिन पिछली दफ़ा तो रेट कम थे ना बिजली के, ना इस दफ़ा तो रेट भी ज़्यादा है, बिजली बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। ठीक है, हम तो अभी भी रेट से बहुत कम दे रहे हैं, हालांकि आप बनू से पता कर लें या टांग पता कर लें, वहाँ पर 1200 या 1500 का ब्लॉक होगा। अभी यहाँ पे कितना? हाँ पर तो सिर्फ 800 रुपये का है। 800 रुपये। महकमा इब्तदाई और सानवी तालीम खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से सूबे के स्कूलों में तालीम सबके लिए के उनवान से दाखला मुहिम जारी है। आज ही अपने 5 से 16 साल बच्चों का सरकारी स्कूल में मुफ्त दाखला करवा कर इनका मुस्तकबिल महफूज बनाए। महकमा एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन खैबर पख्तूनख्वा और वी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का आज़्म, घर घर तालीम के चिराग जलाओ, अपने सभी बच्चे पढ़ाओ। ये पैगाम आपको महकमा इब्तदाई और सानवी तालीम खैबर पख्तूनख्वा और वी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के तावन से दिया जा रहा है। बहुत ज़्यादा कच्ची और पतली बर्फ़ है, 50 से कम की देते नहीं है, और वो भी इतनी थोड़ी सी होती है कि मतलब ना होने के बराबर ही होती है। बर्फ़ मिलती नहीं है, एक तो कारखानों के ऊपर ना, डी खान में बड़ा मसला है लाइट का, लाइट नहीं है, इस वजह से बर्फ़ भी नहीं है और बर्फ़ महंगी भी है। पहले तो मिलती नहीं है, जो लाइनों में लगना पड़ता है, लाइनों में ठहरना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा काफ़ी मसाइल हैं। मैं ये कहूँगा कि लाइट के मसले को हल किया जाए। असल जो है लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, और आगे जो बर्फ़ खाने थे उसमें तो बिल्कुल मिल ही नहीं रही थी। ये पतली बर्फ़ मतलब पानी के अंदर बहुत जल्दी पिघल जाती है। हाँ, और इतना हो जाता है पानी के गुजारे का हो जाता है वहाँ इस गर्मी के अंदर। दो चीज़ें जो बुनियादी हैं, एक तो बर्फ़ पतली बहुत है, और दूसरा ये कि बर्फ़ के कीमतों में भी ज़ाहिर इजाफा हुआ है कि इस दफ़ा जो है वो होलसेल में 800 रुपये के हिसाब से ब्लॉक बेचा जा रहा है, और परचून के हिसाब से कोई 950 या 1000 इस तरीके से बेचा जा रहा है। तो नाज़रीन, ये ऐसा जो वजह बताई जा रही है कारखानों के मालकान की जानिब से, वो ये बताई जा रही है कि लोड शेडिंग जो कि बहुत ज़्यादा हो रही है, शहर में 12 घंटे हो रही है या 14 घंटे हो रही है, उस हवाले से वो कहते हैं कि हमारी मशीनरी उस तरह से काम नहीं करती बर्फ़ जमाने में, तो उस हवाले से हम जो है वो बर्फ़ की क्वालिटी को बेहतर नहीं कर सकते। और दूसरा ये कि प्राइसेस का जो इंक्रीज़ आया है वो भी इसी वजह से आया है कि पिछले साल से इस साल तकरीबन 45 रुपये का यूनिट में इजाफा हुआ है बिजली के। तो ज़ाहिर है आपको पता है शहर में लाइट का तो मसला है ही है, तो हम वज़ीर-ए-आला से अगेन रिक्वेस्ट करते हैं कि इन तमाम मसाइल को हल करें, ताकि ज़ाहिर है इससे कीमतें ऊपर जाती हैं। जब लोड शेडिंग ज़्यादा होती है, कारोबार मुतासर होता है, तो ज़ाहिर है प्राइसेज़ इंक्रीज़ होती हैं हर हवाले से। तो ये थी आज की रिपोर्ट, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, तमाम टीवी फॉलो करते रहें। अल्लाह हाफिज़। Concordia College, Dera Ismail Khan, a project of Beacon House. Free summer camp starting from 20th May. Tuition classes for math, biology, physics, chemistry, computer science and spoken English. Bus service available for female students. Register now at 0330855 0011.